अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं मौजूद हूँ मूसा कॉलोनी, ये बांग्लादेशी बस्ती है कराची में। आज मैं मौजूद हूँ और मैं आज कुछ बुज़ुर्गों से पूछूंगा, ये उस वक्त के दौर के हैं, ये बांग्लादेश से हिजरत करके यहाँ पर आए थे, इनसे मैं मुझसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप यहाँ कब आए थे? 1982 में। अच्छा, तो और आप? हमारे तो यहाँ में लिखा हुआ 64 में, 64 का हुआ। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप वापस गए वहाँ पे या वहाँ पे कोई आप गया ही नहीं है? हमारे बाल बच्चे सारा यही पैदा हुआ, यही सब कुछ है। तो आपका यहाँ पे शनाख्ती कार्ड वगैरह कोई बना? शनाख्ती कार्ड है हम लोग इंशाल्लाह। आपका? मेरा नहीं है। आपका शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बना? बनाई नहीं दे रहा, बोला आपका उम्र ज़्यादा हो गया। पहला गया था, पहला बोल रहा था मंगली का बनेगा नहीं, अब जा रहा हूँ, बोला उम्र ज़्यादा हो गया, कम से कम 1.5-2 लाख रुपये खर्चा होगा। तो 1.5-2 लाख रुपये का शनाख्ती कार्ड कौन बना? 1.5-2 लाख रुपये आपसे मांग रहे हैं? हाँ। तो फिर आपको फिर कोई नौकरी वगैरह का, आपके बच्चों बच्चे जो उनसे हैं उनका? नौकरी किसी का भी नहीं है, अपना ऐसा ही वो कर रहा हूँ, पान का शॉप। अच्छा, आप यहीं पे रहती हैं? नहीं, बांग्लादेश में था। बांग्लादेश होते हैं ना, नॉइसी बजी बुतल लेके बात पानी नहीं देखे, नॉइसी पौने आई एम्बेसी बंद कर दी से पौने बांग्लादेश जाते हैं ना, माँ बाप देखता पौने हम रकम बजाम এখন পয়সা বেশি চাই 40,000-50,000 চাই, কোথায় কামাই দিব আমরা? 20,000 দেয় না, কেন দেয় না? তো আমরা কামাই যাব বাংলাদেশে। আমার বাপ যাতে বাংলাদেশে তালুক রায় না, আমরা এনই থাই, মগার আমরা এন থাই কেউ কোনো ফায়দা নেই, আঙ্গো না আঙ্গো ন্যাশনালিটি মিলে এনের না আঙ্গো খেয়াল হয়। বাংলাদেশ হতে বাংলাদেশের কয় পাকিস্তানি গের মুলকি, বাংলাদেশ হতে আইলে এন কয় পাকিস্তান কয় আমরা গের মুলকি, আর আঙ্গো বাপ দাদারা সব বানায় ভাবি আমরা গের মুলকি থাকলে তো আমরা থাকিয়া কী ফায়দা আনো, আর হ্যাঁ গিয়া কী ফায়দা? আঙ্গো কিন্তু মশলার হালিও না, আঙ্গো বাঙ্গারিলা নাত রাত জ্বালিয়ে নাত রাত বাগা দেয় মাইরা মাইরা রায় নলগে আপনলগে, আবার পয়সা দিয়ে বানান যায় 40,000-50,000, এই পয়সা দাও এই পয়সা দাও বানে, আর বিনা পয়সা দাও বানে না। আর যদি গভর্নমেন্ট ট্যাক্স দাও পয়সা বানাই তো কয় না গভর্নমেন্ট ট্যাক্স দাও বানতো না, 40,000 দাও, 30,000 দাও, 60,000 দাও, তো আমরা কী করতাম? যে ন্যাশনালিটি নাম কা কোই চিজ নেই, আমরা বঙ্গালী করকে ইনকার করতা ইয়ে লোক, जब पाकिस्तान आज़ाद करने वाला हम ही लोग हैं। 1947 से लेकर देखा जाए तो अगर पाकिस्तान आज़ाद किया तो बंगालियों ने किया है, खून दिया तो बंगाली ने दिया। 1965 से लेकर खून दिया तो बंगाली ने दिया। 1965 में जंग के अंदर अगर कुर्बानी दिया तो पायलट आलम ने दिया, पायलट आलम ने दिया। 1970 में अगर 1970 के अंदर अगर खून दिया तो जहाँ लड़ा तो किसने किया? पायलट आलम बंगाली ने किया। लेकिन इन लोगों को एहसास नहीं है, ये क्या कहता है बंगाली है, मुहिब्बे वतन नहीं है। मुहिब्बे वतन देखा जाए तो पाकिस्तानी बंगाली है, मुहिब्बे वतन देखा जाए तो पाकिस्तानी बंगाली है। लेकिन यहाँ पे सिंधी के अलावा कौन था? महाजिरन हिजरत करके कौन आया? इन 1947 में इंडिया से हिजरत करके आने वाला को महाजिरन कहा जाता है, बंगाली को पाकिस्तानी महाजिरन नहीं कहा जाता है। इसलिए कहा नहीं जाता है ताकि पाकिस्तानी बुनियादी पाकिस्तानी बंगाली है, बुनियाद बनाने वाला पाकिस्तानी बंगाली है, ठीक है। और उसके बावजूद यहाँ का रहने वाला लोग कहता है नहीं बंगाली है। लेकिन बंगालियों ने कुर्बानी 1965 का भी दिया, 1965 के भी दिया, 1970 में भी दिया। पायलट आलम ना होता है और इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान को मगरमच्छ की तरह खा जाता है। वो एक जो है महिबा वतन चीज़ है, वो महिबा वतन मगरिब और मशरिब था। बांग्लादेश कौन बनाए? बुट्टू ने बनाया, याया खान ने बनाया, तिक्का खान ने बनाया, कौन किसने बनाया? बुट्टू ने बनाया। बांग्लादेश को अगर शेख मजीब वहाँ खड़ा होता है, अगर बुट्टू यहाँ खड़ा होता है, अक्सरियत अगर मजीब वहाँ से जीत के जाता पाकिस्तान से, अगर उसके बावजूद अगर मजीब को अगर इक्तदार ना देता, गद्दारी किसका है? किसका गद्दारी आप मुझे बताएं, किसने किया? बांग्लादेश वाला ने किया या इधर किया? हम तो इधर रह रहा है लेकिन हक जो बोलना ज़रूरी है। चलें, अब आप बांग्लादेश के लोगों को और उसकी गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम बांग्लादेश को गवर्नमेंट को ये शेख हसीना वाजी को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, इनके लिए खुदारा जो यहाँ पे 30 लाख बंगाली जो रहता है, अब उनको अगर पाकिस्तानी बंगाली वहाँ पे बिहारी को अगर नेशनलिटी दिया है तो यह हुकूमत को ये नहीं कह सकता, शेख हसीना वाजी ये नहीं कह सकता पाकिस्तान में रहने वाला बंगाली को नेशनलिटी दिया जाए। ये आवाज़ क्यों नहीं उठाता वो? उसका उठाने का हक है। अगर एक माँ बाप की दो औलाद है, एक बाप के अगर दो औलाद अगर अलग हो जाता है, उसको हिस्सा में हिस्सा बराबर मिला जाता है, इसका मतलब यह हुआ शेख हसीना बाजी को, यानी आराम से यानी उसको हिस्सा मिल गया होगा, हमारे हिसाब से हिस्सा नहीं मिला।
हमारे हिसाब से हिस्सा नहीं मिला। भाई जब बंटवारा हो जाता है उनको हिस्सा बराबर मिलना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं है ना? अबे बोलो तो सही, है? किसने किया? परेशानी कौन उठा रहा है? हम उठा रहे हैं। आजादी किसने लाया? बंगालियों ने लाया। कुर्बानी किसने दिया? बंगालियों ने किया है। 1965 का जंग एटम बम किसने बांधा? है? किसने बांधा? कहां पे? पाकिस्तान के लिए। अबे बोलो तो सही, पाकिस्तान के लिए है। 1970 में कौन लड़ा? बंगालियों ने लड़ा, है ना? चलिए ठीक है, मैं अब देखने वालों को ये कहूँगा कि अब आप लोगों ने इस वीडियो को पहुँचाना है पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक भी और बांग्लादेशी गवर्नमेंट तक भी, ताकि इनके मसले मसाइल हल हो। यहाँ जो इतना हमारी बंगाली भाई है, इनको किसी को शिनाती कार्ड है किसी का नहीं है। इसका लिए जो है ना गवर्नमेंट जो है ना, जो कभी तो नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐलान किया था कि भाई ठीक है इनको शिनाती कार्ड दिया जाए, फिर अभी जो PTI हुकूमत आया इन्होंने भी हमारी जो वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब जो है ना ऐलान किया था कि भाई बंगाली जो जितनी है या पाकिस्तानी, हम तो पाकिस्तानी बंगाली है जो भी है, ये कुछ कह रहे हैं कि भाई आप बांग्लादेशी है पाकिस्तानी है, हकीकत जो हम बांग्लादेशी है। तो हमारे साथ जो है ना हमारी इतना यहाँ जो जितना लोग हैं इन लोग को किसी को कार्ड दिया जा रहा है किसी को नहीं देते, और जिनकी कार्ड पहला वो था उनको भी नहीं दिया जा रहा है। कह रहे क्या कहो, अब कह रहे क्या तुम्हारा भाई का कार्ड लियो, फलाना कार्ड लियो, भाई का ले जाते हो, कल दादा का लिया हो, दादा का लिया आते, फिर कहते क्या भाई आप जो है ना आपका परदादा का लिया हो। तो ये जो मसला जो है ना हमारे साथ हमारी कौम के साथ हो ये जा रही है। शेख हसीना वाजिब जो है वो जब से ये वो आया तो हमारे साथ जो है ना यहाँ से हमें जाने नहीं देते, वीज़ा नहीं देते। बात ये है कि यहाँ का जो वीज़ा लगाने जाते तमाम लोग, मैं हकीकत आज बता रहा हूँ कि यहाँ का लोग जो है ना यहाँ जो MBC है वो गुनु 50,000 रुपये दो तो हमारी वीज़ा लगते हैं। ये जो जितना लोग नज़र आ रहे हैं किसी ना किसी को रिश्तेदार हुआ है, मगर ये बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है ना 50,000 रुपये अगर देते हम तो बांग्लादेशी वीज़ा लगते हैं, और 50,000 रुपये नहीं देते वीज़ा नहीं लगते। अब असल मसला है कि बांग्लादेश हुकूमत को भी मैं यही कहता हूँ, अब अगर ये मैसेज अगर भेजने चाहते हैं हमारे विशाल बंदोबस्त कर दें, हमारा किसी चाहिए ना, हमारा अपने भालो के भालो ना बोलो, इधर आपने नहीं बोले कि पाकिस्तान में जितना बंगाली रहते तारा शोभा यही की रजाकार ना, यहाँ का जितना पाकिस्तान में जो बंगाली बच रहे उनको आप कहते क्या रजाकार है? ये मत बोले पाकिस्तान, और पाकिस्तान का हुकूमत इतना अच्छा है हमारे लिए। मैं ये क्या कहता हूँ कि हम जितने जितने बंगाली भाई है सबका लिए जो ना जान माल वो हमारे लिए हाजिर करते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि 1971 में इंडिया ने जो किया और जो अब कर रहा है बांग्लादेश में उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया ने अच्छा नहीं कर रहा है, इंडिया ने अच्छा यूँ नहीं कर रहा है। पहले तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से मगरबी और मगरब मशरब से इसको टुकड़ा करके बांग्लादेश बनवा दिया, ये इंडिया का साजिश है। किसका साजिश है? इंडिया ने इस काम को टुकड़ा करके पाकिस्तान से एक सूबे को अलग करवा दिया इंडिया ने, ये इसकी सियासत था। आप उस सियासत में आया मोदी ने, मोदी एक चाय बेचने वाला था, क्या था? एक मोदी जो है एक चाय बेचने वाला था शख्स था, इनको किसी तरह ना किसी तरह ओजीन में आया, ओजीन में आता था वज़ीर आज़म बन गया। अब मोदी का मकसद क्या था? मुसलमानों को निस्तनाफत करने का है, क्योंकि उस वक्त की बात है, मुसलमान को पाकिस्तान को टुकड़ा करने वाला मोदी का इंडिया के हाथ था, और बांग्लादेश को दोस्त बनाकर उनको साथ रखा। अब जो है बंगालियों को अब एहसास हो रहा है, अब यूं है, अब बांग्लादेश को जो है अब दुश्मन हुआ, बांग्लादेश को भी दुश्मन बना लिया, क्योंकि बांग्लादेश को उठाकर इन फौजों को बांग्लादेश को बेतहाशा वो मार रहा है, यहाँ पाकिस्तान के साथ धमकी दे रहा है। तो ये इंडिया ने एक ढोंग नचाया हुआ है मुसलमानों का साथ, खिलवाड़ कर रहा है। खिलवाड़ क्या है? मुसलमान को दहशतगर्द बनाने के लिए मोदी चाहता है। मुसलमान का ईमान जो है ला इलाहा इल्लल्लाह उसके ऊपर बहुत ताकत है, क्योंकि उनको नहीं मालूम अल्लाह अकबर के ऊपर ताकत बहुत है। कभी भी हिंदू बेदिन कलमा नहीं पढ़ने वाला मुसलमान का साथ टक्कर नहीं ले सकता है, क्योंकि मुसलमान के पास कलमा है, कलमा क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का जज्बा बहुत है। ओके ओके ओके, सलाम अलैकुम।